अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह ताला के फजल व करम और रहम के साथ आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जी आलू कौरमा, चिकन आलू कौरमा। तो चिकन आलू कौरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, चले हम साथ साथ बताते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चूल्हे को जलाएँगे। हमारा चूल्हा जो जल चुका है, इसमें हम घी डालेंगे। अब जी ये देखें, हमने इतने इतने दो चमचे घी के लेने हैं, तो इसे गर्म होने देंगे तब तक घी को, फिर हम प्याज डालेंगे। जी हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम प्याज डालेंगे। ये दो से तीन प्याज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसे भुनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारा जो प्याज है वो इतना सा ब्राउन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं चॉप की हुई। इसे भुनेंगे दो से तीन मिनट तक। तो हमने मिर्चों को डाले हुए दो से तीन मिनट तक हो गए हैं। हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं चॉप की हुई। अब इसकी बनाई करेंगे दो से तीन मिनट तक। तो फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है बिल्कुल तैयार है। सारे मसाले जो हैं सब्जियां भून चुकी हैं। इसमें हम अब चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन जी, जो हमारा चिकन है हमने डाल लिया, इसमें भूनेंगे दो से चार मिनट तक। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले ऐड करेंगे। छोटा छोटा मैंने करके डाला है इसमें चिकन। जी जो हमारा चिकन है वो भून चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, अब मसाले डालेंगे। ये एक चम्मच है रेड चिली पाउडर, आई मीन सुरख मिर्च, और थोड़ी सी और डालेंगे इतनी। और अब हल्दी डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी डाल रहे हैं, आधा टीस्पून। अब साल्ट ऐड करेंगे लगभग एक चम्मच, साबुत ज़ीरा, जी साबुत ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। अब इसे पकाएंगे दो से तीन मिनट तक, भूनेंगे इस मसाले को। फिर हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी और लगा देंगे ताकि मसाले जले ना हमारे। जी अब हम इसमें ये यगर्ट डालेंगे, इसे हम फेंट लेंगे थोड़ा सा ऐसे। फिर हम इसमें ये ऐड कर देंगे। ये डालने से यगर्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने का। और जो हमारा चिकन होता है वो भी अच्छे से भून जाता है इसमें। ये डालने के बाद हम इसमें लेमन जूस डालेंगे दो से तीन अदद। जी मैंने उसी कप में जूस ले लिया लेमन का, वो डाल रहे हैं। दो लेमन थे मेरे पास। अब इसमें हम पोटैटो डालेंगे। पोटैटो मैंने तीन अदद लिए थे, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, वो डालेंगे। अब इसे भुनाई करेंगे दो से तीन मिनट तक। जी फ्रेंड, जो हमारा चिकन कौरमा है बहुत अच्छे का बन रहा है, ये देखें बहुत ही प्यारी इसमें ग्रेवी बन रही है। अभी जो आलू हैं हमारे वो कच्चे हैं, अभी इन्हें भुनने देंगे और हम एक चुटकी इसमें कौरमा मसाला डालेंगे, ताकि हम कौरमे को तो बना रहे हैं तो बनाएंगे तो कौरमे के साथ ही ना, तो कौरमा मसाला तो डालना पड़ेगा, नेशनल कौरमा मसाला डालेंगे। जी हम बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डालेंगे कौरमा मसाला, लगभग इतना, बिल्कुल थोड़ा सा, आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा, यही आलू ऐड करेंगे। इसे भूनेंगे पाँच से छः मिनट तक, इसी की भुनाई करेंगे अच्छे से। जी हमारे पास है ग्रीन चिली और मैंने सेंटर से इनको काट लिया है। हम इसमें अब ये ऐड कर रहे हैं, तो इसका फ्लेवर जो इस टाइम आता है वो कुछ अलग ही आता है। जी अब हमारे पास है थोड़ा सा पानी, पानी इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो आलू हैं हमारे वो गल जाएँ, थोड़ा सा हम पानी
पानी को ऐड कर रहे हैं। दाल में बस इतना ही जाएगा इसमें पानी। अब हमारे आलू जो हैं गल जाएंगे, इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। जी हमने ढक्कन लगा दिया था, कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसे हम साड़ेंगे अब। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखें हमारा तोड़ने के 2 से 3 मिनट और लगेंगे। इसकी हम 2 से 3 मिनट तक और बनाई करेंगे, फिर हम डिश आउट करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड बटन नज़र आ रहा होगा, रेड बटन तो उसे प्रेस कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो को मिलते रहें। तो फ्रेंड्स हमारा जो चिकन कौरमा है बिल्कुल रेडी है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे इस टाइम पे और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये मैंने देसी सी डिश ले ली है, इसमें हम लगा लेंगे इसे। जी देखें फ्रेंड्स हमने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके सामने हमारा देसी स्टाइल में चिकन कौरमा, आलू चिकन कौरमा जो है बनकर तैयार है। ये बिल्कुल सूखा सालन बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगती है हमारी तो लाइक कीजिएगा और मोहम्मद बिलाल शबीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।